Kusum. क्या सोचा तुमने कली? मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे सब कुछ पता चल गया कली, सब कुछ। मुझे पाने के लिए तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, इतना बड़ा मजाक किया। Why कली, why? I love you. मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। और मैं कुमुद के बिना नहीं जी सकता कली, मैं कुमुद के बिना नहीं जी सकता। आज तुम्हारी वजह से मेरा प्यार मुझसे छीन गया, मेरी जिंदगी छीन गई। शराब, आज तुम्हारी वजह से कुमुद को चोट पहुंची। कली, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी कली। यू आर आर ऑफ माई लाइफ, यू आर आर ऑफ माई लाइफ कली, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। कली, कली क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा तुमने? क्या हुआ कली? प्रॉमिस मी कर, तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। कली, मैं तुम्हारा साथ क्यों छोड़ूंगा? What's wrong? अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई या तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी। बिलीव मी, तुम्हें इतना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें किसी भी कीमत में नहीं खो सकती। अगर तुम उससे नाराज हो गए तो क्या तुम मुझे मार दोगे? कर कली, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? प्लीज सोचो मत, तुमने बुरा सपना देखा होगा। यू जस्ट लाइ डाउन, रिलैक्स। कम नहीं कर, मुझे तो डर लगा। कली, तुम्हें डर क्यों लग रहा है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कली, कम लाइ डाउन, कम कर। मैं चाहती तुम मेरे मिसकैरेज से बहुत अपसेट हो। नहीं कली, तुम ठीक हो, यही मेरे काफी है। गर्व। हाँ मॉम, कहिए। बेटा, क्या तुम इस वक्त ऑफिस आ सकते हो? बात यह है कि अभय का साइन किया हुआ एक प्रॉमिसरी नोट मिला है मुझे, और आई लाइक टू डिस्कस दैट विद यू। ठीक है मॉम, मैं 15 मिनट में पहुंचता हूँ। प्लीज, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, जल्दी आना। गर्व यहाँ आ रहा, कुमुद से उसका सामना होगा तो शायद कुमुद को अच्छा ना लगे। क्षितिज आओ। माँ आप अकेले काम कर रहे थे इसलिए हमने सोचा कि हम आपकी मदद करने आ जाते हैं। आओ बेटा। माँ आप छोटा सा ब्रेक ले लीजिए ना, और मुझे बता दीजिए कौन सी फाइल्स ढूंढनी, मैं शुरू कर देती हूँ काम। आप आराम कीजिए। ठीक है, वो सारी चेक कर लो, ये मैंने चेक कर ली है। मैं वो चेक कर। शिपित, मैं जरा बाहर भी देख कर आती हूँ। कैसी हो?
पूछने का हक शायद मैंने खो दिया है। नहीं गर्व, शायद मैं तुम्हें कुछ बताने के काबिल नहीं रही। अच्छा लग रहा है तुम्हें और क्षितिज को साथ देखकर। तुम और कली साथ में बहुत खुश होंगे ना? क्षितिज कितना खुश नसीब है, आखिर कली ने तुम्हें पा ही लिया। फिर चाहे उसने अपने रिश्ते की बुनियाद झूठ पे ही क्यों ना कायम की हो, उसने तुम्हें जीत ही लिया ना। हार तो मैं गया कुमुद, तुम मेरे पास होकर भी पास नहीं हो। मैं जिंदगी भर तुम्हें अपने पास दिखता रहूंगा और उस वक्त को कोसता रहूंगा जब तुम मुझसे दूर हो गए। काश ये वक्त फिर से पीछे चला जाए तो शायद मैं तुम्हें समझा पाती कि मेरे हालात क्या थे। अगर मुझे एक मौका मिलता तो मैं तुम्हें रोक लेता कुमुद, चाहे इसके लिए मुझे जितनी भी मेहनत करनी पड़ती, जितनी भी मुश्किलें उठानी पड़ती, मैं तुम्हें रोक लेता। गर्व, क्या सोच रहे हो गर्व? कली प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, जस्ट लीव मी अलोन प्लीज। मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ? जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करती हूँ तभी तुम डिस्टर्ब होते हो। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुमसे दूर रहूँ, तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाऊँ? कली मैंने ये सब कब कहा? तुम मेरे किस बात का क्या मतलब निकाल रही हो? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? हर बात का तो नहीं गर्व, लेकिन एक बात मैं जरूर जानती हूँ। आज तुम पापा के ऑफिस गए थे और वहाँ जरूर तुम्हारा सामना कुसुम और कुमुद से हुआ होगा, और कुमुद ने जरूर मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भरे होंगे, है ना गर्व? साफ साफ क्यों नहीं कहते? कली प्लीज स्टॉप ऑल दिस, तुम ही लोगों से मिलती हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम। कली जस्ट लीव मी अलोन, ओके? हाँ, अब तुम मुझसे क्यों बात करोगे? मुझ में इंटरेस्ट क्यों लोगे? तुमने मुझसे शादी सिर्फ उस बच्चे के लिए की थी, और अब जब वो बच्चा ही नहीं रहा तो मेरा वजूद क्या मैंने रखता तुम्हारी जिंदगी में? हाँ गर्व, तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते? कली प्लीज जस्ट स्टॉप ऑल दिस। पहले किस्मत ने मेरे साथ मजाक किया, फिर वक्त, और अब तो जिस वजह से हम एक हुए थे, अब जब वो वजह ही नहीं रही तो कोई जरूरत नहीं है इस रिश्ते के बोझ को ढोने की। मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारी वजह से, मैंने शादी तुमसे की है। कली मुझे इस बच्चे को खोने को दर्द है, इसका एहसास है मुझे। कली तुम मेरे दर्द को कभी नहीं समझ सकते और कभी समझ भी नहीं पाओगे कि एक माँ जब अपने बच्चे को खो देती है तो क्या होता है। मैं तो माँ बनी भी नहीं थी, माँ बनने वाली थी। पता है उस बच्चे के साथ मैंने क्या क्या सपने देखे थे? सोचा था तुम इस बच्चे को अपनी गोद में खिलाओगे, उसे इतना प्यार दोगे कि, लेकिन सारे सपने टूट गए। कली मैं तुम्हारे इस दर्द से गुजरा नहीं हूं, लेकिन उसे समझ सकता हूँ, उसे महसूस कर सकता हूँ। कली आई थिंक इस बच्चे को खो देने का दर्द मुझे, I'm sorry कली, आई थिंक वी शुड गो फ्रॉम हियर, वी नीड अ ब्रेक। मैं अभी शिमला की टिकट बुक करता हूँ, ओके? Thank you.
कुसुम बेटी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे हो पाएगा। डैडी जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, यह अमाउंट हमारे हौसले से बड़ा नहीं है। हौसले से क्या होता? जितना आसान तुम समझ रही हो उतना आसान तो है नहीं। चाचा जी, जो मैदान के बाहर खड़े होते हैं उनके लिए कुछ भी आसान नहीं होता है, सब कुछ मुश्किल ही दिखता है। इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो स्लीपिंग पार्टनर्स थे ना हमारी कंपनी के, सारा कसूर तो अभय का था। पर बेटी, हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम जैसे चाहो, जिस तरह से चाहो, इस प्रॉब्लम को हैंडल करो। I'm extremely sorry to keep you waiting. Please come, the board is waiting for you. This way. Ma'am, please make yourself comfortable. Thank you. Thank you. Aap log? Let me introduce our board. I am Agnivesh, the CEO and director of ISI International. Ye hai Mr. Khanna. Hello. Mr. Verma. Hello. And Mr. Mathur. Board members and co-investors. क्या ये इनके असली नाम है? What do you mean, ma'am? आप जानते हैं what I mean, Mr. Khanna? I guess you are mistaken. और अगर आप लोगों के बीच में कोई personal problems हैं, तो please उसे इस office के बाहर ही discuss करिएगा. Let's get down to the business. मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आप अपनी कंपनी के शेयर्स वापस लेने के लिए मुझे क्या ऑफर कर रही हैं? 180 crores is a very big amount. और इतनी बड़ी अमाउंट रीपे करने के लिए हमें थोड़ा और वक्त चाहिए। हम ये भी चाहते हैं कि आप एक नया अग्रीमेंट ड्राफ्ट करें और आपके जो टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट है उन्हें थोड़ा और फ्लेक्सिबल कर दें। ओके फाइन, तो आप अपने लॉयर को मेरे लॉयर से बात करने के लिए बोल दीजिए और अगले महीने की 15 तारीख तक हमें हमारी कंपनी की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल जानी चाहिए, विच इज 80 करोड़, और अदरवाइज आई विल बी फोर्स टू सील एंड लिक्विडेट कपूर इंडस्ट्रीज। थैंक्स फॉर कमिंग। क्या गेम खेल रहे हैं आप लोग? कोई गेम नहीं है मैडम, ए सिंपल बिजनेस टैक्टिक्स, जिसका एक ही रूल है, प्रॉफिट। मॉम, अग्निवेश कंपनी के साथ 80 करोड़ का एग्रीमेंट रेडी हो गया है। अब सोचना यह है कि इतना बड़ा अमाउंट आएगा कहां से? आई डोंट नो बेटा, कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। ये लीजिए सर, पिछले दिनों अभय सर ने जिन एग्रीमेंट्स पे साइन किया उनकी कॉपीज, और ये उनके डिक्टेट किए हुए लेटर्स के टेप्स। गर्व, इन सब परेशानियों के चलते हुए तुम कली का ध्यान रख पा रहे हो या नहीं? हाँ मॉम, कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ। गर्व, इस वक्त उसे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। एक औरत तभी संपूर्ण होती है जब वो मां बनती है। हर औरत मां बनने का सपना देखती है। जरा सोचो, अगर तुम्हारा सपना साकार होने से पहले ही टूट गया तो तुम पर क्या बीतेगी? मॉम, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं कली को लेकर कुछ दिनों के लिए शिमला चले जाऊँ, लेकिन That's a very good idea, girl. उसका मूड भी चेंज हो जाएगा, she'll feel better, और anyway, I think she should be your first priority right now. I know, mom. But helping you in sailing the Kapoor Empire, that's my priority too. Thanks, beta. लेकिन तुम मेरी help वहाँ से भी तो कर सकते हो। ये सारी files और tapes अपने साथ ले जाओ। और जब भी वक्त मिले उन्हें स्टडी करते रहना। And we can be in touch over the phone. ठीक है मॉम, मैं अपना प्रोग्राम फाइनलाइज करता हूँ और ये अग्रीमेंट मैं अग्निवेश के ऑफिस भेज देता हूँ। थैंक यू। कुसुम बेटा, डैडी जी, अग्निवेश से मिलकर आ रही हूँ। मैंने अग्निवेश को नए अग्रीमेंट के लिए कन्विंस कर दिया है,
गर्व उसे ड्राफ्ट कर रहा है और लेकिन उस नए अग्रीमेंट के मुताबिक अगले महीने की 15 तारीख तक हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करना है। कितनी रकम चुकानी है? 80 करोड़। इसमें कुछ ऑडिट टेप्स हैं और फाइल्स पापा के ऑफिस की। तुम वहां जाकर भी काम करोगे? घर ले काम नहीं, ये मेरी कोशिश है पापा उनके एम्पायर को बचाने की। Then I guess this is more important. हम हमारी ट्रिप कैंसिल कर दें। कली, you need an outing. You don't worry, मैं सबको संभाल लूंगा। एक ही कोड से इतने सारे फोन, पता करो ये कोड कहाँ का है। सर मैंने पता किया है, ये कोड शिमला का है सर। सही है। जहां तक मेरा ख्याल है अभय कपूर का ना तो शिमला में कोई कारोबार है और ना ही कोई रिश्तेदार, तो फिर एक ही कोड से इतने अलग अलग नंबरों से अभय को फोन आना और अचानक अभय का गायब हो जाना, दोनों के बीच में कोई गहरा संबंध जरूर है। तुम एक काम करो सर, शिमला एक अपनी टीम रवाना करो और पता करो कि इन अलग अलग नंबरों से अभय को कौन फोन कर रहा था। ओके सर। और हाँ, हो सकता है तुम्हें अभय शिमला में मिले, इसलिए अपनी टीम का सतर्क रहना बहुत जरूरी है। ओके सर। अगर अभय खुद गायब हुआ है तो उसने अपनी शादी का दिन ही क्यों चुना? क्या उसे मालूम नहीं था कि उस दिन मीडिया अटेंशन उसकी तरफ होगी? कमाल की बात तो यह है कि अगर ये किडनैपिंग का केस है तो किडनैपर ने भी यही दिन चूज किया। या तो वो मीडिया अटेंशन के थ्रू कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टेरर फैलाना चाहता है, या ये बात उतनी ही सिंपल है कि एक आदमी जो अपना लोन नहीं चुका पाया घर से भाग गया। इस एक केस की इतनी गुत्थियां सुलझाने के लिए बहुत गहरा उतरना होगा। अपनी बीवी पे हाथ उठा रहे, एक और बार हाथ उठाना तो मैं पुलिस पे दे दूंगा। ये तुम, आपको मालूम नहीं है इसने कितना बड़ा झूठ बोला है? क्या कहते? अगर आपको मालूम होता तो आप मुझे टोकते टोकते नहीं। झूठ नहीं बोलते तो क्या कहते? मां दूसरी औरत नहीं ले आती तुम्हारे लिए। आप ही बताइए साहब, एक औरत इतना बड़ा झूठ कैसे बोलेगी? क्यों बोलेगी ऐसा झूठ? अपनी गृहस्थी बचाने के लिए, अपने पति का प्यार पाने के लिए। सब अब जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, हमारा आपस का मामला है। अगर आपस का मामला है तो घर पे करो, यहाँ पर नहीं। चल चल चल। अभी भी चाहूं तो तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगा। चाहो जाकर सबको बता दो, कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। बता कि मैं कभी प्रेग्नेंट थी? मैंने ये नाटक गर्व को पाने के लिए किया। जिस झूठ को लेकर तुम मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हो, उस झूठ को तो मैंने मिटा दिया।